हेलो एवरीवन, आज हम एक फ्रेंकी बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने पराठे को एक तरफ से घी लगाकर अच्छी तरह सेक लिया है। अब हम इस पर एग डालेंगे जो हमने बीट करके रखा हुआ था, और गैस की फ्लेम एकदम स्लो करेंगे, एकदम सिम पे कर देंगे। अब इस पर हमने टमाटर और हरा धनिया, हरा मिर्च और प्याज चॉप्ड करके अच्छी तरह से डाली है। अब कुछ मसाले ऊपर से डालेंगे, जैसे नमक हमने डाला है थोड़ा सा, एक पिंच, और चाट मसाला और चिली फ्लेक्स। बस बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालने हैं। इतनी देर में तो ये कुक हो जाता है नीचे से, पर इसको हमने थोड़ा सा घी ऊपर से डाल के और फिर पलट लिया। घी डालना ज़रूरी है जिससे कि अंडा चिपके चिपके नहीं और टमाटर वगैरह ना चिपके। बस इसको दबा दबा के अच्छी तरह से फ्राई कर लें, क्योंकि सब चीज़ें कच्ची होती हैं, टमाटर भी और प्याज भी, तो अच्छी तरह से फ्राई हो जाती हैं सारी, और उसके बाद आप इसको सर्व करें। और गरम गरम ये बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों का फेवरेट होता है, और हेल्दी भी होता है बहुत। किसी चटनी की और अचार की भी ज़रूरत नहीं होती इसमें। इसी तरह से हमने दूसरा भी बनाया है, इसमें भी इसी तरह से हमने प्याज, टमाटर और थोड़े मसाले ऐड करे हैं, और इसको भी हमने फ्राई कर लिया है उसी तरह से जैसे पहले किया था। गैस की फ्लेम एकदम स्लो ही रखेंगे। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए और बनाइए, बच्चों को खिलाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।